हेलो दोस्तों, गोयल लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे HTML पार्ट वन, जिसका हमारा एजेंडा होगा इंट्रोडक्शन टू HTML, स्ट्रक्चर टू HTML एंड इंट्रोडक्शन टू टैग्स, कि HTML में हम कैसे टैग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि HTML होता क्या है। HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, C++, जावा, C# की तरह। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसको मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मार्क टैग यूज़ होते हैं जिनको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और ये काम किस लिए आती है? HTML जो है हमारी वेब पेजेस को बनाने में काम आती है, और HTML की हेल्प से हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेज ही बना सकते हैं। इससे हम डायनामिक वेब पेज नहीं बना सकते। और स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्टैटिक पेज वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे किसी वेबसाइट पर, किसी लिंक पर आपने क्लिक किया और एक पेज खुला, तो वो स्टैटिक रहेगा अगर वो HTML में बना है। मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। और डायनेमिक होते हैं पेजेस जो अपने आप चेंज हो जाते हैं, जैसे फ्लैश वगैरह जो क्लियर हमारे बनते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो डायनेमिक में बनते हैं। लेकिन स्टैटिक, जब हम वेब पेजेस बनाने लगे थे शुरुआत में, तो HTML की सहायता से ही बने थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और एक और बात, HTML के प्रोग्राम और वेब पेज बनाने के लिए हमें किसी और अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सिर्फ हम नोटपैड होना चाहिए हमारे पास, नोटपैड की हेल्प से हम इसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम पहले ओपन करेंगे नोटपैड, यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट में और लिखेंगे नोटपैड, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हम अब HTML का एक प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था इसमें टैग यूज़ होते हैं, और सबसे पहला हमारा टैग है HTML। जो भी हम कुछ लिखेंगे इस टैग के अंदर लिखेंगे। देखा दोस्तों, मैंने पहले HTML लिखा टैग, और बाद में फॉरवर्ड स्लैश के साथ फिर HTML लिखा। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ टैग, और जो सेकंड पार्ट है जो फॉरवर्ड स्लैश वाला, इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ टैग। हम HTML का जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, कभी भी कुछ भी कैसा भी प्रोग्राम बनाएंगे, वो इन दो टैग्स के अंदर ही हम सब कुछ लिखेंगे। और HTML जो ये होता है हमारा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड एंड बॉडी। तो हम लिखेंगे हेड। और दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, जो भी आप टैग लिखें उसको पहले क्लोज कर लें, क्योंकि फिर बाद में अगर कोई एरर आता है तो आपको ढूंढने में, जैसे ये तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, अगर बड़ा प्रोग्राम है तो एरर आता है तो ढूंढने में हमें परेशानी होगी, तो इसलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। तो हेड में हम क्या लिखते हैं? हेड में वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमें पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं करवानी होती, उसके बाहर करवानी होती है। बाहर का मतलब ऐसे स्टेटस बार पर पेज का नाम है, तो हम पेज का नाम डिस्प्ले करवाने के लिए टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। एंड इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट से माय फर्स्ट HTML, ठीक है दोस्तों। और टाइटल टैग को क्लोज कर दो। टाइटल टैग में वो इंफॉर्मेशन आती है जो हमें डिस्प्ले नहीं करवानी होती पेज पर, जैसे ये टाइटल टैग हो गया। एक होता है मेटा डेटा, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। इसका मतलब पेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं कि ऑथर कौन है पेज का, किस डेट को बना था, और पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हेड टैग का काम ख़त्म हो गया। और फिर अगला आता है बॉडी टैग। जो भी हम लिखेंगे पेज पर डिस्प्ले करवाने के लिए बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। ये हो गया हमारा बॉडी टैग। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई राइट वेलकम टू गोयल लेक्चर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमने हेड पार्ट में लिखा,
टाइटल जो हमें डिस्प्ले करवाना है हमारे स्टेटस बार पर सबसे ऊपर, वो बॉडी जो हम पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ये हमने नोटपैड पर लिखा, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एस डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। और इसको आप फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे माई HTML पार्ट 1। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सटेंशन इसकी, जो एक्सटेंशन आप दें .htm या .html के नाम से दें, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक्सटेंशन से सेव करेंगे इसको तो एक वेब पेज की फॉर्म में सेव होगा ये। और फिर इस टाइप में मैं आपको करना चाहूँगा, ओल्ड टाइप्स कर दें इसको, ताकि ये हमारा ओल्ड फाइल में सेव हो जाए। तो डेस्कटॉप पर हमने सेव कर दिया इसको, HTML पार्ट 1 प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने नाम लिखा था HTML पार्ट 1, इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर दें। सी यहाँ पर मैं पहले इनको कर देता हूँ। हाँ, जो भी हमने बॉडी के अंदर लिखा था वो डिस्प्ले हुआ है, माय वेलकम टू गोयल लेक्चर्स, जो भी हमने लिखा था बॉडी के अंदर। और जो हमने टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। और जो हमने प्रोग्राम का नाम दिया था वो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारे प्रोग्राम का नाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें फाइल में कुछ एडिट करेंगे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं दोस्तों। इसमें एडिट करने के लिए आपको करना होगा ओपन विद नोटपैड। ठीक है दोस्तों, इसको मैक्सिमाइज कर लो। और जैसे मैंने, और इसमें टैग होते हैं हेडिंग टैग, इसमें हम H1 टू H5 टैग होते हैं हेडिंग के। जैसे मैंने H1 लिखा है यहाँ पर, H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ। H1 टू H5 का पहले हम H5 वाला लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मैंने लिखा आर यू एंजॉइंग लेक्चर H5 और क्लोज कर दिया। फिर कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ से नोट पर, और इसको दोबारा रन करेंगे प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं जो हमने H5 में लिखा था हमारा, उसका फॉन्ट भी बढ़ाया है और ठीक है बोल्ड लेटर्स में है। जो बाद में लिखा था वो फॉन्ट भी कम है और स्मॉल लेटर्स में है जो H5 में लिखा था। तो H1 टू H5 5 टैग होते हैं हमारे। अगले ट्राई करते हैं दोस्तों कि H2, H3 और H4 जो हमारे बच गए हैं। तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको, पूरी लाइन को, ताकि सिर्फ मैं H1 में ही चेंज करूँ और कोई नाम ना चेंज करना पड़े। ये हो गया दोस्तों। तो H2, H3, H4 सिमिलरली क्लोजिंग करते हुए मैं इनको चेंज कर दूँ, H2, H3, H4। जो ये क्लोज कर रहा हूँ मैं टैग, ओपन कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं क्लोज टैग। कई टैग होते हैं हमारे जो ओपन टैग होते हैं, जिनमें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आगे वाले लेक्चर्स में आपको पता लगेगा। वो होते हैं पैराग्राफ टैग होता है, जैसे ब्रेक टैग होता है, जैसे उनमें हमें लाइन को क्लोज करने की जरूरत, टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। देखा आपने, मतलब H1 से लेके हमने H5 तक किया और ये वेरिएशन आया हमारा, जो हम लाइंस लिखी थी इसमें वेलकम टू गोयल लेक्चर्स, ये पहले कैपिटल में था और फिर स्मॉल में होता गया, फिर स्मॉल में, और फिर लास्ट में H5 में बिल्कुल ही स्मॉल में हो गया। तो दोस्तों HTML बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ी सी टैग्स की प्रैक्टिस कीजिएगा,
डिफरेंट डिफरेंट H1 H2 में वेरिएशन करके देखिएगा, तब आपको आसान लगेगा कि इसको सेव कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है, देन यू विल फील बेटर अबाउट इट। तो दोस्तों ये था हमारा HTML पार्ट 1 का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बॉडी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, और कुछ और टैगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर। एंड दोस्तों मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए, गोयल लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।